हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का जो व्लॉग होने वाला है, एक छोटा सा व्लॉग होगा। मैं कर रही हूँ यहाँ पे शादी की तैयारियाँ। तो मैंने कपड़े वगैरह ले रखे थे, वो मुझे सिलवाने थे, तो मैं जा रही थी यहाँ पे मेन मार्केट, हमारे यहाँ का जो मार्केट है। मेरे हस्बैंड ने कैब बुक करी हुई थी मेरे लिए, और उसके बाद मार्केट में इन्होंने मिल जाना था हमें, तो बस ये मिल गए थे मार्केट में। और उसके बाद हम गए अपने जो हमारे जहाँ पे हमारे जिस बुटीक में हमें जाना था वहाँ। और मार्केट इस टाइम पे वैसे ही वेडिंग सीज़न है, तो मार्केट में इतना न्यू न्यू कलेक्शन था, ऐसे सजा हुआ था, बहुत सुंदर लग रहा था इस टाइम पे। तो बस हम लोग पहुँचे अपनी जगह। और ये जो बुटीक है ना भैया का, ये काफ़ी अंदर मार्केट में है, और शायद पहले छोटी शॉप थी, अब इन्होंने थोड़ा बढ़ा दिया है काम वगैरह अपना। तो बस हम लोग फिर यहाँ गए फटाफट से। मैंने यहाँ पर जो भी मुझे अपना कपड़े वगैरह सिलवाने थे वो सब दिए, और क्या थे वो तो मैं आपको वेडिंग वाले दिन पे करूँगी। और किसकी शादी है, किसकी शादियों की तैयारी मैं कर रही हूँ, वो भी मैं आपको एक दो दिन बाद ही बताऊँगी। तो बस यहाँ पे हम लोग गए मार्केट, कपड़े वपड़े दिए, उसके बाद हम लोग आ गए थे घर के लिए। और घर के लिए जब हम आ रहे थे वापस, तो हमारे यहाँ पे हमें लगा कि काफ़ी लेट हो गई है, चलो डिनर करते हुए चलते हैं। और हमने यहाँ पे ये सब चीज़ें मंगवाई, नूडल, चाप और ये डिनर। सिर्फ हमने नूडल यहाँ पे खाई, मेरे हस्बैंड ने तो एक रोटी खाई। यहाँ पे खाना बहुत बेकार था, हम बोल के भी आए। और उसके बाद हम लोग निकल गए थे घर, हमने सारा खाना वहीं छोड़ दिया था। फिर हम लोग गए थोड़े से अपने घर के ही पास में, एक बूढ़ दादी कैफ़े करके है, छोटा सा स्पेस है। यहाँ पर जितनी भी हमारे उत्तराखंड की लॉस्ट रेसिपीज होती हैं वो सब यहाँ पे थी। तो हमने यहाँ पर ढिंडका करके एक डिश थी, जिस तरह से सिड्डू होते हैं ना वो हिमाचली, वैसे ही था। तो यहाँ पे ये भैया हमें बता रहे थे कि आप अभी यहाँ पे सारी चीज़ें तो नहीं है आज, लेकिन ढिंडका आपको मिल जाएंगे, आप इन्हें खाइए। तो ये रागी आटे के थे, और ये इस तरह के थे जैसे सिड्डू होते ना हिमाचली, उस तरह के थे। इसके अंदर जो स्टफिंग थी वो थी जो गैद की दाल या कुलत की दाल जिसे बोलते वो, और उसमें तिल थे वो सब थे, और चटनी थी, और ऊपर से ना इसमें घी में इसे सेका गया था। तो बहुत ये यम था, बच्चों के लिए भी बहुत हेल्दी होता है। तो हमने यही लिया, और ये मेरा फर्स्ट टाइम था, मतलब मुझे तो पता ही नहीं था कि ये भी एक रेसिपी होती है। तो आप लोग जो भी हो जोगी वाला के पास में, बूढ़ दादी कैफ़े करके है, वहाँ पे ज़रूर आइएगा, और इनकी बहुत सारी रेसिपीज़ हैं वो ज़रूर खाइएगा। फिर भैया बताने लग गए यहाँ पर, तो इन भैया ने फिर बताया कि हम लोगों ने जितनी भी गढ़वाल की पुरानी हमारी पहाड़ी रेसिपीज़ होती थी, चाहे वो कुमावनी हो चाहे गढ़वाली हो, वो हम लोगों ने शुरू करने का सोचा हुआ है। और 47 रेसिपीज़ वो हैं, तो उनमें से अभी सारी तो अवेलेबल नहीं थी यहाँ पर, जो हमें लेट भी हो रहा था, तो हमने इसलिए इन्हें बोला था जो जल्दी हो। फिर उनका भैया ने बताया कि हम बच्चों को भी टेस्ट करवाते हैं, उसके बाद फाइनल करते हैं अपने आउटलेट के लिए। उसके बाद भैया ने एक यहाँ पे ये सोना आलू या आलू सोना ऐसे कुछ रेसिपी थी, इसमें ये मक्के के आटे से इन्होंने बाहर जैसे हम बेसन लगाते हैं, इन्होंने मक्के का आटा पूरा लगाया हुआ था। और ये यहाँ पे इमली की चटनी थी, वो इनकी अपनी रेसिपीज़ थी, ये भी हमने ट्राई करी तो बहुत अच्छी थी। तो आप भी यहाँ पे आइएगा बूढ़ दादी द मिलेट कैफ़े में। तो फिर हम यहाँ वहाँ से घर के लिए आ रहे थे, और यहाँ पे कीवी मैडम ने गाना गाते गाते अपनी कैब को ना ऐसे उड़ा दिया था, तो बस हस्बैंड मेरे वो ही ला रहे थे, मुझे हंसी भी आ रही है बहुत ज़्यादा, और वो गुस्सा भी हो रहे थे। तो बस फिर उसके बाद हम लोग निकल गए थे अपने घर, और यही था मेरा आज का एक छोटा सा व्लॉग। आई होप आपको पसंद आया हो। बाय।